ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय चौथा और श्लोक संख्या 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाथार्य संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो पिछला श्लोक हमने शुरू किया था कि जब जब धर्म का जहाँ जहाँ जब जब धर्म गिरने लगता है, हमने चर्चा करी थी कि वास्तविक धर्म क्या है और भगवान उस धर्म को की स्थापना करने के लिए वास्तव में आते हैं। यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए ड्यूअल पर्पस और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। हमने ये चर्चा करी थी कि वास्तविक धर्म भगवद्गीता में भगवान लगभग अंत में 18वें अध्याय के बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यजे, बाकी के जितने भी धर्म हैं, रीतियाँ हैं, हमारे मन से बनाए हुए कुछ चली आ रही रीतियों के अनुसार बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो हमें वास्तव में भगवान की तरफ नहीं ले जा रहे, लेकिन कुछ कर्म कांड हैं, कुछ अपनी इच्छा से करे जा रहे हैं, कई चीज़ें बन गई हैं। तो भगवान कहते हैं इन सारी चीज़ों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, यही वास्तविक धर्म है। तो इस धर्म की स्थापना करने के लिए मैं बार बार आता हूँ, हर युग में प्रकट होता हूँ। तो प्रभुपाद इसका बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं कि भगवद्गीता के अनुसार पहले साधु पुरुष कौन है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि पवित्राणाय साधु नाम, वास्तव में साधु कौन है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आज की डेट में कई सारे व्यक्तियों को साधुओं की पदवी भी मिल जाती है, पर बात बोलते थे कि रबर स्टैम्प किसी को साधु नहीं बना सकती, समबडी हैज बीन स्टैम्प्ड एज इज अ सेंट। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो साधु बन जाता है, साधु के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ गुण होते हैं जो कि उसको अर्जित करने होते हैं। हाँ, वास्तव में साधु कौन है, शिल प्रभात बहुत ही स्ट्रेट एंड शुद्ध भक्त थे, हम जानते ही हैं। इसलिए वो लिखते हैं कि साधु कौन है, केवल एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ही साधु हो सकता है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में यदि पूरे कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। समझ में आ रहा है, अधार्मिक लगने वाला व्यक्ति यदि वो उसके अंदर पूरी कृष्ण चेतना है तो उसे साधु समझना चाहिए। और दुष्कृत नाम कौन है, जो भगवान बोलते हैं कि विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्कृताम जो है उन व्यक्तियों के लिए है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले वे सांसारिक दृष्टि से विभूषित क्यों ना हो। यानी कि जो व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से बहुत ही सज्जन लगता है, विभूषित है शिक्षा से, उपाधियों से, मान सम्मान से, लोग उसको जानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो दुष्कृताम है यदि वो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे लोगों को क्या बोल रहे हैं, दुष्कृताम, उपद्रवी, मूर्ख। तो बहुत ही, अगर हमें, हम लोग रियली में इफ़ वी आर डिवोटेड टू श्रील प्रभुपाद, हमें ये डेफिनेशन बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए, लाउड एंड क्लियर, इट इज़ वेरी क्लियर हेयर। कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, हम लोग भक्ति में आ तो जाते हैं लेकिन हमें भक्तों से एलर्जी होती है। हाँ, कुछ ना कुछ कई बार हमें लगता है इनसे तो अच्छे यही हैं, मेरे घर वाले हैं या मेरे ये मित्र हैं, देखिए कितनी सज्जनता से बात करते हैं, ये देखिए व्यक्ति कैसे बात करता है, इसको बात करने क्या करनी है, बड़ा बनता है भक्त अपने आप को। तो ध्यान रखिए, ऐसे स्टेटमेंट पास करने से बहुत भारी नुकसान हो सकता है हमारी भक्ति का, क्योंकि कृष्ण को ये भक्त हर हाल में प्यारे हैं, भक्त चाहे कैसा भी है, क्योंकि भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेयः प्रतिजानाहि नमे भक्तया प्रणश्यति। भगवान को इतना लगाव है अपने भक्तों से कि भगवान डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर नहीं करते हैं, कहते हैं हे अर्जुन तुम जाके डिक्लेयर कर दो, सारी दुनिया में डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, इसलिए डोंट अंडर एस्टिमेट माई डिवोटी, डोंट, आप अपने डिवोटी को, मेरे डिवोटीज को डिफेम मत करो, उसको बुरा मत बोलो, क्योंकि ही इज ट्राइंग टू इम्प्रूव एंड वो जिस रास्ते में है वो रास्ता उसको बहुत ही जल्दी धर्मात्मा बना देगा। तो धर्मात्मा का डेफिनेशन भगवान भी बोलते हैं
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कौन नामे भक्तया। तो भगवान बोल रहे हैं मेरा भक्त बहुत ही जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। तो यानी कि कृष्ण भी बता रहे हैं कि वास्तविक धर्मात्मा की डेफिनेशन क्या है। साधु की डेफिनेशन है कि वो कृष्ण का डिवोटी है। इवन इफ कई बार ऐसा लगेगा कि वो कुछ बहुत ही उत्तम काम नहीं कर रहा है, और कोई दूसरा व्यक्ति बहुत ही बढ़िया सोफेस्टिकेटेड वर्ड लगेगा, तब भी हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए कौन ज़्यादा उन्नत भक्त है। कैसे पता चलेगा? उसकी एडवाइस से नहीं, उसकी बोली से नहीं, द क्वालिटी ऑफ सरेंडर, डिवोशन, डिपेंडेंस, ये क्वालिटीज एक भक्त के अंदर होती हैं कि वो भगवान पे, भक्तों पे, गुरु पे डिपेंडेंट होता है, सरेंडर्ड होता है। तो वो व्यक्ति जो है कौन तया प्रति जाना ही नामे भक्त प्रति, तो क्षिप्रम बहुत ही धर्मात्मा, वो वास्तविक व्यक्ति धर्मात्मा है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर कि समाज में कई बार ऐसे व्यक्ति बड़े सज्जन लगेंगे, लेकिन यदि वो कृष्ण भावनामृत नहीं है तो वो दुष्कृताम है वास्तव में। और जो कृष्ण भावनामृत है वो सांसारिक दृष्टि से बड़ा ही कटु लगे, हाँ, लेकिन वो वास्तव में उसे साधु समझना चाहिए। ऐसा शास्त्रों का मत है, हमारा मत कुछ और हो सकता है, दैट इज ओके, बट कृष्ण का ऐसा मत है। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख के आदम कहलाते हैं। इसके विपरीत यदि कोई शत प्रतिशत कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है यानी कि इज ट्राइंग, तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो तो भी वह साधु माना जाता है। माना कि ही इज नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, इज नॉट एबल टू गिव वेरी वैल्यूएबल एडवाइसेस, स्टिल बिकॉज वो शत प्रतिशत भगवान की भक्ति में लगा है, और उससे गलतियां भी होंगी डेफिनेटली, उस रास्ते में उससे गलतियां होंगी, लेकिन वो बार बार गिर रहा है, बार बार उठ रहा है, वो शरणागत है अपने परंपरा के प्रति, तो वो व्यक्ति वास्तव में क्या मानना चाहिए? उसी को साधु मानना चाहिए, चाहे वो सुसंस्कृत ना हो, विद्वान ना हो। इस प्रकार हमारे जीवन में यदि हमारे आसपास ऐसे भक्त मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं है, माना आपके आसपास ऐसे भक्त हैं जो बहुत विद्वान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, या बहुत लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर सकते हैं, और आपको अपने कोई ऐसे दोस्त मिलते हैं जो बड़े प्रखर बुद्धि के हैं, तो भी आपको अधिक सम्मान किसको देना चाहिए? उस व्यक्ति को देना चाहिए जो कृष्ण भक्ति में लगा है लेकिन बड़ा मूर्ख है वास्तव में, सांसारिक दृष्टि से इतनी बुद्धि उसकी नहीं है, फिर भी उसको ज़्यादा सत्कार रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण का अधिक प्रिय है, ना कि उससे जो अपनी बुद्धि पर घमंड करता है और कृष्ण भावनामृत की परवाही नहीं करता है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। जहाँ तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इसके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों। अनीश्वरवादी जो भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हैं, डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि इनके विनाश के लिए आए हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। भगवान कहते तो हैं, क्या भगवान कहते तो हैं विनाशाय दुष्कृताम, लेकिन वास्तव में भगवान के आने का ही कारण नहीं है। देखिए बड़े सिंपल सा लॉजिक है, हमें यमराज हमें हमारी मृत्यु का कारण बनते हैं, बल्कि यमराज भी नहीं बनते हैं, यमराज के दूत, यमदूत जिनको हम कहते हैं, वो हमारी मृत्यु का कारण बनते हैं। क्या यमदूतों की पहले भाले से, तलवार से, गदा से लड़ाई होती है? आदमी को मारने से पहले आपने देखा कभी? एक आदमी को मारने से पहले खूब लड़ाई हो रही है, धूम धाम, यमराज के दूत मुक्का मार रहे हैं, दांत तोड़ रहे हैं, और इस प्रोसेस में उसकी हड्डियां चूर करके उसको मार रहे हैं, ऐसा देखा हमने कहीं? नहीं। बड़े से बड़े, तगड़े से तगड़ा आदमी बैठा हुआ है और थोड़ी सेकंड में ठप खत्म, बिना किसी फाइट के। यानी कि यमराज को, यमदूत को भी किसी को मारने के लिए फाइट नहीं करनी पड़ती है, वो तो अपना यम पास डालते हैं, अंदर से आत्मा को फंदा लगता है, खींचते हैं बाहर, जैसी सॉकेट से प्लग निकलता है हमारी मशीन क्रैश हो जाती है, कंप्यूटर बुड़प, टीवी बंद, मशीन बंद, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हाँ पावर ही निकाल लिया आपने। तो उसी तरह से यमदूत उस पावर को ही निकाल लेते हैं, तो बताइए जब यमदूत में इतनी शक्ति है, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु से लड़ने की आवश्यकता थोड़ी थी, फिर क्यों ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति मृत्यु से भी बड़ा हो जाता है कई बार, जैसे हिरण्यकश्यपु? केवल एक ही कारण है, सत्कार, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, क्योंकि यमदूत, यमराज और बाकी जन वो ब्रह्मा जी का सत्कार करते हैं, वो ब्रह्मा जी के दिए गए वचनों को झूठलाना नहीं चाहते, केवल दिस इज द रीज़न, अदरवाइज बट इज, बताइए ना मुझे, हिरण्यकश्यपु के अंदर भी तो वही सोल थी, यमराज जाते फंदा डालते निकाल के आ जाते, लेकिन वो जानते थे कि यमराज ने या ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया हुआ है,
ना तुम दिन में मरोगे, ना रात को मरोगे, ना उहिया से मरोगे, ना वैसे मरोगे, ना ऐसे, कई सारे अगर मैं जाके निकाल लूंगा तो ब्रह्मा जी के वचन का क्या रह जाएगा। इसलिए उनको सत्कार देने के लिए ये लोग थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, अदरवाइज तो बताइए जब इतनी ताकत यमदूत में ही है तो क्या कहें कृष्ण का, क्या किसी राक्षस को मारने के लिए कृष्ण के आने की जरूरत है, नहीं तो फिर क्यों आते हैं। अपने भक्तों को, निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता ही है क्योंकि वो उससे एनवी करता है, ईर्ष्या करता है भक्त से, क्योंकि उसको लगता है मैं दिन रात मारा जा रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, ये जो है कुछ करता नहीं है, कुछ कुछ हरे कृष्णा करता रहता है, ऐसे करने से क्या जीडीपी चलेगी इंडिया की, ऐसे करने से क्या डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्री चलेगी, लेकिन फिर चिड़ मस्ती है, खुश क्यों है, हमारी रोटी खा रहा है। रोटी वो दे नहीं रहा है, उसको भगवान ही दे रहे हैं, वो तो देना ही नहीं चाह रहा है, वो तो कह रहा है जो इसको दे रहे हैं उनको भी कैसे रोक लूं, सुनो सुनो भाई ये ढोंगी हैं, ये भारत का पैसा विदेश जाता है, सुनो सुनो इस इस्कॉन को बंद कराओ। हाँ वो बड़ा ईर्ष्या करता है, वो देखता है कैसे हरे कृष्णा कर रहे हैं, कुछ काम काज नहीं कर रहे, इतना कठिन तपस्या नहीं कर रहे, फिर भी प्रसन्न है, तो ईर्ष्या की वजह से वो उनको तंग करता है, भले ही वो सगा संबंधी क्यों ना हो। कई बार हमारे संगत संबंधी ही हमें कृष्ण भावनामृत में आने से रोकते हैं, उन्हें भी ईर्ष्या होती है, क्योंकि हमारे कुछ कार्य ऐसे होते हैं उन्हें लगता है अच्छा इसका मतलब मैं गलत खा रहा हूँ, मैं गलत पी तरीके से पी रहा हूँ, इसका मतलब मेरा पूरा जीवन गलत है और तुम्हारा पूरा जीवन सही है। वो कहता नहीं कुछ उसको, हमारे जनरली कोई भक्त ऐसा बोलते नहीं है कि तुम्हारा जीवन, तुम पापी हो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, वो तो अपने जीवन में नियम लगाते हैं, दूसरे को चिड़मस्ती है क्योंकि इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि मेरा जीवन पापमय है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इसलिए कई बार बड़ा ईर्ष्या करते हैं, चाहे हमारे संबंधी क्यों ना हो, जैसे कि हिरण्यकश्यपु जो अपने पुत्र से, अब जब वास्तव में हम जब पढ़ते हैं शास्त्रों को, हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज वाज वेरी रिस्पेक्टफुल टू हिज फादर, बड़े रिस्पेक्ट करते थे शुरू से लेके अंत तक, मरने के बाद भी, मरने से पहले भी, मरने के बाद भी उन्होंने प्रार्थना करी हिरण्यकश्यपु ने के लिए, हाँ नरसिंह भगवान से कि हे भगवान इनको क्षमा कीजिए, इनको मुक्त कीजिए। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे पिताजी हैं लिबरेटेड, डोंट वरी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कितने रिस्पेक्टफुल थे अपने फादर के लिए, फिर भी उनके फादर ईर्षा ईर्षा ईर्षा। तो इस प्रकार से कई बार ऐसा होता है। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी जो है कंस की बहन थी, लेकिन वो असुर था। हाँ उसके उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि कृष्ण ने उनके थ्रू जन्म लेना था, द सोर्स ऑफ एनवी, उनकी शत्रुता। देखिए कंस जो है, आप जानते हैं, हमने सुना था भागवतम में कि किस प्रकार से अपनी बहन को शादी के बाद रथ को चला के लेके जा रहा था कंस स्वयं, कितनी हम्बल पोजीशन पे था, और वही कंस देवकी को मारने के लिए आतुर हो जाता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि देवकी कृष्ण को जन्म देने वाली है। इसलिए जो असुर होते हैं वो कृष्ण से संबंध बनाने पर, इसलिए कई लोग हैं जो कहते हैं मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने खुद देखा अपनी इस भक्तों की जिंदगी में, कई पति हैं कई पत्नियां हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, बस ये इस्कॉन छोड़ दो और सब ठीक है, इसको छोड़ दो तुम। तो जनरली कृष्ण से संबंध बनाते ही कई लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन हमें प्रहलाद महाराज की तरह कृष्ण पर डिपेंडेंट रहना है, शांत स्वभाव में रहना है और अपने रास्ते पे चलते रहना है। जैसे कि हरिदास ठाकुर नाम जप रहे थे, किसी का बुरा कर ही नहीं सकते थे, वो तो उस वैश्या का भी बुरा नहीं करते हैं जो उन्हें ठगने के लिए आती है, ऐसा व्यक्ति किसी का कैसे बुरा कर सकता है, और उससे इतनी एनवी हो जाती है चार उसको काजी को कि उसको मराने के लिए तुलते हैं और हंटर मारते हैं, 22 बाजारों में हंटर मारते हैं हर मार्केट में घसीट घसीट के लेके जाते हैं, और हरिदास ठाकुर फिर भी उनको क्षमा कर देते हैं। तो भक्त ऐसे होते हैं और असुर रहते होते हैं। तो ऐसे भक्तों को प्रेम देने के लिए, उनके तपते हुए हृदय को सांत्वना देने के लिए, उनको उनके हृदय में अपने रूप के लिए, अपनी लीलाओं के लिए आकर्षण पैदा करने के लिए, वास्तव में केवल और केवल भक्तों की प्रसन्नता के लिए भगवान हर युग में आते हैं, और इस युग में भी इसी तरह से वो आए। हाँ चैतन्य महाप्रभु बनकर, चैतन्य महाप्रभु का जिक्र जो है श्रीमद् भागवत में आता है कि कलयुग में ये अवतार कृष्ण रूप में नहीं होगा, गौर रूप में होगा, स्वर्ण रूप में होगा, इसलिए वो पीत वर्ण के थे, और ये अवतार नॉर्मली चक्र लेके नहीं आएगा, ये अवतार हमेशा भगवान के नामों का कीर्तन करेगा, और साथ में इसके पार्षद क्या करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा श्रीमद् भागवत ने कहा। और इसी रूप को दर्शाने के लिए इस युग में भी, जैसा बोला यदा यदा ही धर्मस्य,
और अभ्युत्थान जो भी बोला, तो उसी को साबित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस युग में फिर से आए और हरि नाम का संदेश लेके गए। अब की बार ये दुष्टों को मारने के लिए नहीं, बस कि दुष्टों को उद्धार करने के लिए आ गए, सबको हरि नाम देने के लिए आ गए। हाँ, इस प्रकार से हरि नाम उन्होंने बिना किसी क्वालिफिकेशन के सभी को बांट दिया, क्योंकि हरि नाम सबके पाप काटने वाला है। और हमने लाइव एग्जांपल देखा बाय द एग्जांपल ऑफ श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने ऐसे लोगों को हरिनाम दिया जो हर दृष्टि से सारे नियम तोड़ने वाले थे, और उन लोगों के अंदर इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार से भगवान आते हैं किस लिए? भक्तों की प्रसन्नता के लिए, और अब विशेष तौर पर भक्त बनाने के लिए। तो इस हरिनाम में इतनी ताकत है कि किसी को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो यही था इन दोनों श्लोकों का मतलब, कैसे भगवान वास्तव में आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म क्या है? कृष्ण की भक्ति, और इन्हीं भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए भगवान बार बार आते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।